हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। जैसे आजीविका गारंटी योजना हमने विलेज की बढ़ी थी, वैसे शहर के लिए भी है। तो 13,941 बेनिफिशरी को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया। तो हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977, पता ना आपको, टाउन एंड प्लानिंग एक्ट है हमारा। तो जैसे हम देखते हैं ना, जैसे शिमला है, मंडी है, ऐसे जो शहर है, तो उनको किसके अंदर रखा गया है, टाउन एंड प्लानिंग एक्ट के अंदर। इसमें ये होता है कि अगर किसी को घर बनाना है तो अपनी मर्जी से नहीं करेगा वो काम, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ही जैसे बोलते हैं ना, उसको उसका नक्शा पास करवाना पड़ेगा और एडवांस में पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, है ना, और कितना रास्ता, कहाँ से रास्ता जाएगा, कितना एरिया आगे पीछे छोड़ देना है वहां पे। तो जो पे पूरा प्रोविजन है उसको क्या बोलता है, हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। अब गांव में तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आपने घर बनाना है ना, पर शहरों में तो नहीं कर सकते सर। तो अभी बोल रहे कि अभी हमारे पास हिमाचल गवर्नमेंट ने 55 प्लानिंग एरियाज ऐसे हैं जहाँ ये लागू हो चुका है। तो 160% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, और 35 स्पेशल एरियाज भी है जो कि क्या है, 2.606% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो अब शहरों में जो सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है वो है हाउसिंग। तो हाउसिंग के लिए इसका नाम याद रखना हिमुडा, सुना नाम हिमुडा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये क्या करती है, होम अपार्टमेंट प्लॉट सूट द हाउसिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल ऑल इकोनॉमिक लेवल। तो आपने देखो ना, हिमुडा की कॉलोनी बनती है, हिमुडा के प्लॉट बनता है, मतलब सरकार खुद ही बना के बेचती है। सरकार यहाँ पे अपने तरीके से एक प्लानिंग के द्वारा कॉलोनी बनाएगी और उनको आगे दे देगी, है ना, जैसे अलग अलग, जैसे हरियाणा पंजाब हुड्डा है ऐसे। हिमुडा इंटेंड टू डेवलप न्यू हाउसिंग कॉलोनीज कहाँ पे, धर्मशाला सुहाला सिरमौर में और चेतरा उन्ना में और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन शिमला में। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि नए प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे अभी सरकार के। हिमुडा हैज सबमिटेड अ डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेटिंग माउंटेन टाउनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है, माउंटेन टाउनशिप एट जाथिया देवी शिमला हिल्स। अब क्वेश्चन आता है कि माउंटेन टाउनशिप कहाँ बन रही है, एक छोटा सा उन्होंने कॉलोनी हाउसिंग माउंटेन टाइप माउंटेन हिल पे तैयार करना है, कहाँ पे, जातिया हिल पे, और ये कर कौन रहा है, हिमुडा। फिर है जी अर्बन डेवलपमेंट, ये भी याद रखना, 61 हमारे पास अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज है, मतलब लोकल बॉडी है, और जिसमें से क्या है, 5 क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल्स होती है ना, तो 5 क्या है, कॉरपोरेशन और बाकी आगे काउंसिल्स है। 61 ई विल बी मैनेज अबाउट 3,349 किलोमीटर रोड पाथवे स्ट्रेट एंड ड्रेनेज। अब आता है दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, रूरल लाइवलीहुड मिशन, वैसे ही है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव अगेन फिर क्या हो गया, देखो इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो 325 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना चुका है। अब और क्या क्या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, सोशल मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, शेल्टर और सपोर्ट अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, और द फॉलोइंग इज द प्रोग्रेस ऑफ मई 2023 तक। तो ये 325 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। तो देखो इसका भी जो, इसकी जो बेसिक लाइन है वो वही है जो किसकी है, विलेज वाले की थी, है ना। अंडर दिस इनिशिएटिव बेनिफिशियरी रिसीव्ड स्किल ट्रेनिंग मिलेगी उसको, एंड एप्लीकेंट वर्क प्लेस, मेनी इंडिविजुअल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क प्रोवाइडेड, लोन असिस्टेंस उनको मिलता है। तो उसको ही रिलेट करना है आपने, और इसके लिए क्या बना रखी है, लोन के लिए PMSBA निधि स्कीम, PMSBA स्कीम, ठीक है ना। तो ये है जी। फिर है जी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट। तो मैंने आपको, हमने पॉलिटी में देखा होता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो एक अमाउंट, एक फंड किसी स्टेट पंचायत के लिए भी करता है। तो
इसमें क्या है कि आगे जाके फंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ईवल भी, एक होता है कैंटोनमेंट बोर्ड, पता है ना, हमारे अर्बन लोकल बॉडी भी है और कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, जो दक्षाई है, दो जगह और है जहाँ पे कैंटोनमेंट है। अब जो ग्रांट क्या होते हैं, देखो एक होती है यूनाइटेड ग्रांट, मतलब रिलीज ऑटोमेटिक अनकंडीशनली कि आपको सीधे पैसे मिलेंगे, और जो 60% ग्रांट है वो क्या है, कुछ कोई ना कोई आपको फुलफिलमेंट करने का क्राइटेरिया दे जाएगा। अब जैसे बोल दिया कि सभी जितने भी आपके शहर है, छोटे छोटे टाउन है, उन सबको क्या कर दो, ओपन डेफिनेशन फ्री कर दो, मान लो, चलो वैसे तो शहरों में होता नहीं है, कोई और एग्जांपल ले लो, स्ट्रीट लाइट सभी बननी चाहिए। तो जो 60% जो फंड होगा वो कहीं ना कहीं टारगेटेड है कि अगर आपको ये मिशन पूरा करना ही पड़ेगा, और जो 40% वो है पंचायत लोकल बॉडी को मिलेगा और अपनी मर्जी जहां मर्जी जाए वो खर्च कर सकती है, ठीक है ना। अब है अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी में तो कुछ हर चीज हमें स्मार्ट लेवल से करती है, और अमृत में तो ये बोला गया है कि जो सिटी ऑल है हमारे पास उनको रेजुवनेट करना है, उनको ट्रांसफर करना है, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की तरह ही ये काम करता है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है प्री के लिए कितनी सिटी आती है, इसके अंदर सिर्फ दो सिटी आती है अभी, मंडी और कुल्लू, और जो स्मार्ट सिटी है उसमें आती है धर्मशाला और शिमला। तो अमृत कभी 2.0 विशन चला हुआ है, लॉन्च 1 अक्टूबर 2021 बाय प्राइम मिनिस्टर, और इसका मकसद क्या है, एम क्या है, टू मेक सिटी वाटर सिक्योर एंड सेल्फ सस्टेनेबल थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी, पानी की कमी पूरी हो, सेल्फ सस्टेनेबल हो और सेल्फ सर्कुलर इकोनॉमी हो। तो इसमें बाकी सारी चीज आएगी, चाहे वाटर सप्लाई, सीवरेज हो गया, सेप्टेज मैनेजमेंट हो गया, रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर हो गया, ये सारा कुछ आएगा। द मिशन पीरियड इज फ्रॉम 21-22 कब तक, 26 तक, एंड फंड पैटर्न कितना है, 90-10 के रेशियो, सेंट्रल स्टेट के तरफ से, ठीक है ना। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का चला था 2015 में, धर्मशाला पहले आया था, और 18 में कौन इसमें ऐड कर दिया गया था शिमला, 100 करोड़ इसके ऊपर खर्च होता है, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज सेंट्रल ग्रांट 294 करोड़, यहाँ से आगे 300 करोड़ का याद रखना आपने। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जैसे स्वच्छ भारत मिशन रूरल था वैसे अर्बन है, इसका भी वही 2.0 मिशन चला हुआ है। द एम ऑफ SBM इज टू मेक सिटी टाउन ओपन डेफिकेशन फ्री, तो पहला टास्क तो यही है जी, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। फॉलोइंग एक्शंस प्रोग्राम्स हैव बीन मेड अंडर द मिशंस, तो इसमें क्या दिया जा रहा है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट और कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट, ठीक है ना, दोनों चीजों की प्रावधान है इसमें, और क्लियरेंस ऑफ लेगेसी वेस्ट साइट, जो पुरानी पुरानी जो जहाँ वेस्ट की है उसको सही से मैनेज करना है जी, और वेरियस इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC बोलते हैं उसको, याद रखना आप लिख के वर्ड है, हर चीज को अगर हमने सही करना है तो हमें क्या चाहिए, IEC आ चाहिए, इन्फॉर्म कर दो, एजुकेट कर दो और कम्युनिकेट कर दो, लोगों तक पहुंचा दो। तो इन्फॉर्मेशन के देखो ना, बहुत जैसे आपने देखा होगा जब स्वच्छ भारत मिशन आया था, लोगों को जगह जगह एजुकेट किया गया, इन्फॉर्म किया गया और कम्युनिकेट भी किया गया, जैसे जैसे प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू लगाया, तो वो एक ना एक अपने ऐसे जेस्चर बना रहा था जो एक कम्युनिकेशन का साधन था। उस टाइम देखो ना, आपने जितने बड़े बड़े लोग थे, सेलिब्रिटी थे, नेता थे, वो भी सड़कों पर लगे हुए थे झाड़ू लगाने के लिए, कोई उठा रहा था, तो वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही था, है ना, किस तरह से ताकि लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो जाए इसके प्रति, है ना। और इसके लिए और क्या करें, स्वच्छ पखवाड़ा कुछ डे डिक्लेयर कर दिए, और होर्डिंग लगा दी, बैनर लगा दी, नुक्कड़ नाटक करें, और प्रिंट एंड इलेक्ट्रिक मीडिया किया, तो इसको हर लेवल पे प्रमोट करने की कोशिश करी है सरकार द्वारा। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, तो जैसे उधर हमने बात करी थी हाउसिंग, वैसे यहाँ पे, तो ये भी कब तक टारगेट है, 2024 तक। द एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड हाउसेज फॉर स्लम डवेलर्स, हमने रूरल में क्या पढ़ा था, ऐसे लोग या तो हाउसलेस है या तो कच्चा हाउस में रहते हैं, पर शहरों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है, स्लम्स, और अंडर इंसीटू सम रिहैब, इंसीटू का मतलब क्या होगा, दो तरह होता है ना, एक्सीटू में क्या होता है, स्लम को तोड़ो, खत्म करो और उनको कहीं दूसरी जगह बसाओ, एक होती है इंसीटू वाली, इंसीटू वाली क्या होगी, जहाँ स्लम है ना वहीं पे उनको बनाओ घर उनके लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं ना, इन सीटू एंड एक्सीटू, जैसे जू है,
जू क्या है? इंसिटू एक्सिटू है, एक्सिटू है मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के उसको प्रिजर्व कर दिया, और जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को है वो क्या है? इंसिटू। तो इसमें ये बात हो रही है जी। कंपोनेंट प्रोवाइडिंग द अफोर्डेबल हाउसेस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए है, और लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है थ्रू द क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कंपोनेंट। क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट से द्वारा उनको घर मिलेंगे। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग। आपको पता है पार्किंग की प्रॉब्लम हिमाचल में बहुत ज्यादा रहती है, तो अर्बन एरिया प्रधान हिमाचल प्रदेश फंड हैज बीन रिलीज्ड 6 ULB मतलब 6 अर्बन लोकल बॉडी में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग। द फंड अंडर दिस स्कीम आर रिलीज 75% प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड 25% बाय अर्बन लोकल बॉडी। ये रेशो भी आधा है। जो पार्किंग बनती है ना, आपने देखा शिमला में बनी है पार्किंग, बड़ी बड़ी पार्किंग बनी है, तो वही रहता है इसमें, और ज्यादातर होती है वो स्मोट पे, जिसको हम बोलते हैं ना बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इस मोड पे भी होती है। फिर है जी अटल श्रेष्ठ शहर योजना। अब ये बोला कि जो अर्बन लोकल बॉडी हर काम को बहुत अच्छी तरह से कर रही है, तो उनको ना अवार्ड दिया जाएगा श्रेष्ठ बॉडी का या श्रेष्ठ शहर का। तो अटल बिहारी के नाम से है ये जी। तो किसको मिलेगा ये अवार्ड? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड टॉप 3 नगर पंचायत विल बी ऑनर्ड विद द अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार। और कब मिलेगा ये? 25 दिसंबर, याद रखना। 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी का जन्मदिन। और किस रूप में मनाते हैं इस दिवस को? अब देखो जी, पर इस बारी क्या इन्होंने कॉरपोरेशन को किसको दिया नहीं है, तो हम 20 का छोड़ दो, आप किस पे कंसंट्रेट करो। फर्स्ट प्राइज मिला है जी किसको? कुल्लू म्युनिसिपल काउंसिल को। सेकंड प्राइज उन्ना, और थर्ड प्राइज बद्दी। 1 लाख है फर्स्ट प्राइज, 75,000 है सेकंड प्राइज, और 50,000 है थर्ड प्राइज। और नगर पंचायत में मिला है फर्स्ट प्राइज अर्की 75,000, सेकंड प्राइज सुन्नी 50,000, थर्ड प्राइज नारकंडा। ये रखो जी याद। और म्यूनिसिपल जो काउंसिल कॉरपोरेशन है उसको नहीं मिला, तो इसमें स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन भी प्री में बन सकता है। ठीक, और इधर वाला आप देख लेना कौन सा था, पहले नाहन, मनाली और कुल्लू थे, यहाँ पे चौपाल, घगरी, टेंट, कोटखाई, मतलब कोई भी रिपीट नहीं किया, नहीं नहीं आया सारी। ठीक है ना, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। अब आती है मुख्यमंत्री गारंटी योजना, ये कब आई थी? कोविड के बाद, जैसे मनरेगा होती है ना वैसी वैसी योजना है ये। इसमें क्या है, हेल्थ ड्यूरिंग पेंडेमिक हैज नोटिफाइड स्कीम नोन एज मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना 16 मई 2020 को आई थी। इन्हांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी अर्बन एरियाज बाय प्रोवाइडिंग 120 डेज ग्रांटेड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें एक तो रखना आपने कब लॉन्च की थी, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट कितने दिन की है, और तीसरा पॉइंट है कि किसको मिलेगी, कि एक घर से कितने मेंबर इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना ऑल हाउस अडल्ट मेंबर्स, जितने भी घर के अंदर सब बड़े लोग हैं, अडल्ट है, और मैक्सिमम एज तक का कौन अप्लाई कर सकता है? 65 ईयर तक। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड ऑनलाइन पोर्टल, MMSAGY ऑनलाइन पोर्टल है। तो इसमें भी स्टार लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेक्टेड हो सकता है कि एक तो कोविड के दौरान आया था ये 16 मई 2020 को, 120 डेज, मनरेगा के अंदर तो 100 दिन का रोजगार है, इसके अंदर है 120 दिन का, और है किसके लिए? सबके लिए, ऑल मेंबर ऑफ हाउस होल्ड दोज हु आर अडल्ट, और मैक्सिमम एज कितनी है? 65। नेक्स्ट है जी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अब ये क्या था? टू इंश्योर फंक्शनल सस्टेनेबल प्लान डेवलपमेंट। क्या बोला हुआ है? फंक्शनल सस्टेनेबल प्लान करना है जी, घर ऐसे बनाने हैं फंक्शनल भी हो, सस्टेनेबल भी, और प्लान भी हो। तो ये जो एक्ट है 77 का, इसके अंदर जैसे मैंने पूछा था 55 एरियाज, और जो कि 1.60% एरिया तक कवर होता है, और उसमें 35 स्पेशल एरियाज भी है। अब एक ही रेरा सुना हमने, रेरा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या है सुना हमने? किसके लिए करता था? देखो ना, जो बिल्डर्स होते हैं प्रॉपर्टी को जो सेल परचेज करते हैं, अब वो क्या करते होते हैं ना, जैसे उन्होंने मान लो किसी ने कोई फ्लैट खरीदा,
उस फ्लैट को जब वो फ्लैट बन ही रहा होता है ना, तब वो पैसे मांग लेता है। मान लो उस फ्लैट की कॉस्ट है 50 लाख। अब क्या हुआ, इसने ले लिए किससे, 25 लाख ले लिए पहले एडवांस में, और साथ में क्या बोला, आपको हम अगले 1 साल के अंदर अंदर इसकी बना बुना के पोजीशन देंगे। बट जो 25 लाख आपसे ले रहे हैं हम, इन 1 साल के अंदर तो हम आपको कुछ नहीं देंगे इंटरेस्ट। अगर हमने आपको नहीं पे किया, ये नहीं आपको दिया ये प्लॉट जो डेट अलॉट की गई है, तो अगर अब उसके बाद एक साल और लग गया, मिलना था 2023 में और मिला कब रहा है 2024 में। अब ये जो 1 साल होगा ना, ये पैसा ऐसा कंसिडर किया जाएगा जैसा मैंने बैंक में रखा हुआ है, और बैंक जो मुझे इंटरेस्ट रेट देता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा इनको। समझे बात को? तो कहने का मतलब है कि इस समय जो वो कंपनी होगी, उसने जो पैसा लिया है लोगों का, उसके ऊपर उसको प्रॉपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा समझ लो कि उसने लोन लिया किसी से, तो लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट दे रहा जितना जितना आगे। तो इससे पहले क्या था ना, बड़े कपल होते थे इंडिया में, प्रॉपर्टी के नाम से या फ्लैट के नाम से डीलर पैसे लेते थे, और वो 2-3-4-4 साल तक उसकी पोजीशन देते ही नहीं थे, और वो उनका पैसा वो डेट हो गया, मतलब एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया ना, है तो किसी के पास है पर उसके ऊपर कुछ इनकम हो नहीं दिया है। ये है रेरा। तो आज के डेट से क्या है कि ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में भी ये इम्प्लीमेंट है, सब जगह ही है, तो हिमाचल में भी है इम्प्लीमेंट। ये हैज स्टार्टेड इट्स फंक्शन, कब से स्टार्ट किया इसने, 2020 से। लोगों के साथ ना पहले बहुत बड़ी ठगी हुई है, खासकर जब गुड़गांव और ये इधर सिटी डेवलप हुई है ना, उसमें लोगों को पता था कि डेवलप हो रही है, तो बिल्डर ने क्या कहते बहुत सारे पैसे ले लिए लोगों से, और उसके बाद खुद वो फरार हो गए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज रेरा टू रेगुलेट एंड प्रमोट रियल एस्टेट सेक्टर एंड टू सिक्योर सेल ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग एज द केस मे बी इन द एफिशिएंट मैनर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर होम बायर इन द स्टेट ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। उसके बाद है, अथॉरिटी हैज रजिस्टर्ड 133 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड 23 रियल एस्टेट एजेंट्स। तो अभी 133 तो प्रोजेक्ट है हिमाचल में, और 23 एजेंट है जिनको इसके अंदर लाया गया है ना, और ऑनलाइन इनकी जो वो है मोड है वेब EX करके है ये। फिर है जी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड कॉस्ट इंडेक्स। तो इसमें इंडेक्स है, इसमें कुछ बताया तो है नहीं खास कि ये किसकी इंडेक्स तैयार करें, कितने बिल्डिंग है, क्या कॉस्ट है, क्या कंस्ट्रक्शन है। तो ये बोल रहा है कि न्यू नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज टास्क द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू कम्प्लीट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टू कंपाइल द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द स्टेट। तो क्या कॉस्ट की बिल्डिंग्स बन रही है स्टेट में। द डिपार्टमेंट हैज बीन प्रिपेयरिंग द रिलीजिंग एंड रिलीजिंग द स्टेट लेवल BCCI विद द बेस ईयर। ये बेस ईयर इसका है, तो इससे हम ऐसा समझते हैं कि इन्फ्लेशन में निकलता है। अगर बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट इस साल 500 रुपये थी और 2011-12 में कितनी थी, 250 रुपये थी, तो इसमें क्या निकलेगा हमारा एक हिसाब से इन्फ्लेशन। ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट।